फ्लाइट से तो निकल गए पर हमारे को लगेगा जी अभी वीजा में टाइम। क्या बात है जी, क्या बात है। सबसे पहले तो ये देखो जी, पासपोर्ट आज बड़े ही दिनों के बाद पासपोर्ट निकला है हमारा। पैकिंग हमारी डन हो गई है, बस अभी जाना है हमारे को मनी एक्सचेंज करवाने के लिए। उसके बाद सीधा निकलेंगे एयरपोर्ट, कपड़े रेडी हैं, कपड़े चेंज करेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। और फुल एक्साइटेड है, क्या होने वाला है जी, कुछ नई चीज़ें आने वाली हैं। और नई चीज़ें जब आती है लाइफ में तो रश आता है, तो रश आने के चक्कर में हमने बैग पैक कर लिया और आपसे पूछ लेते जी किदा जी, सारे बढ़िया आप? बहुत बढ़िया, फुल एक्साइटेड। नए शूज लिए थे आज फाइनली जाके, इसके लेसेस वेसेस सेट किए हैं, क्योंकि ऐसा था कि मुंबई में हो रही थी बारिश और बारिश के चक्कर में हम निकल नहीं पा रहे थे तो चप्पल में घूम रहे थे। बाइक पर जाते हैं तो ये जूतों को पहन नहीं सकते क्योंकि गियर बदलते हुए निशान पड़ जाएगा। इस चक्कर में हमने इनको ऐसे डिब्बे में संभाल के रखा हुआ था, पर अब जब इंटरनेशनल जा रहे हैं जहां पर ना बाइक चलानी है ना कुछ चलाना है, इवन हाथी चलाएंगे वहां पर जाकर, तो ऐसा सोचा है हमने, कसम से मजा आने वाला है। तो फटाफट निकलते, पहले मनी एक्सचेंज करवाना है, कपड़े चेंज करेंगे और पक जाएंगे। तो साथ रहना जी, बैंकॉक में क्या क्या होने वाला है जी, चलो जी। फाइनली जी ये यहाँ पर पहुँच गए, आधे घंटे एक घंटे की मेहनत के बाद पहुँचे क्योंकि इतनी बारिश थी और ट्रैफिक नहीं मिला। अच्छी बात यह है कि संडे था, तो सबसे अच्छी बात यही है। बाकी यहाँ का मौसम तो सेक्सी है, बैंकॉक का मौसम नहीं समझ में आ रहा, पर फटाफट हम बोर्डिंग कर लेते हैं ताकि ये जो हमारा बैग है इक्विपमेंट वाला जिसमें हम हमेशा अटकते हैं वो क्लियर हो जाए जल्दी, उसके बाद आराम से आपसे बात कर सकते हैं। पहले बोर्डिंग कर लेते हैं। फाइनली जाकर जी सब क्लियर हो गया है, 73 नंबर गेट है, मतलब बहुत ही चलना है। ऐसा लगता है घर से पैदल आ जाता है, इतना अंदर चलना पड़ेगा हमारे को। ये गाड़ी वाले भी हमारे को लेके नहीं जाते, ये गलत बात है, चीटिंग करते हैं, ये लिफ्ट मांग लेगा इनसे। पर ये है कि पहुंच गए हैं तो सुकून है। अभी एक घंटा है हमारे पास, 25 मिनट पहले दरवाजे बंद हो जाएंगे, मैसेज आ गया पर पहुँच जाएंगे। बारह बज गए, 12:45 की फ्लाइट है और अभी तक शायद लाइन नहीं लगी है, सिर्फ इंतज़ार। बाकी हमारे पास डिटेल आ गई है, कैब वाला पहुंच जाएगा, बट रोमिंग एक्टिवेट नहीं करवाई है इसलिए वहां का वाईफाई से ही हमारे को एक्टिवेट करना पड़ेगा। यही एक सीन रह गया लास्ट, बाकी मूवी डाउनलोड कर ली है रस्ते के लिए, यही सीन है। आराम से चिल करते हुए जाना क्योंकि चिल करने ही जाना है, सीन ही यही है, मज़ा आ रहा है। हवाई जहाज लग गया जी, हमारा इंतज़ार कर रहा है। ब्लॉगर लाइफ जी, विंडो सीट मिल गई है। विंडो सीट तो चाहिए, उसके बगैर काम नहीं चलेगा, नहीं तो अच्छे से व्यू नहीं दिखा पाएंगे, ये सीन बड़ा ही गलत हो जाता है। तो कि सामने के नज़ारे तो बहुत ही खूबसूरत है। सुनसान गलियों में पहुंच गए जी। वैसे तो हम पहुंचे बैंकॉक और हमारी सीट इतनी पीछे थी कि हमारे से पहले सब लोग चले गए, इसलिए हमारे को लगेगा वक्त मतलब नीचे जो इमिग्रेशन क्लियर करने में जो अगर आगे सीट होती तो 15-20 मिनट आधे घंटे में काम हो जाता, पर अभी कम से कम कितना लगेगा हमको भी नहीं पता। पर मैं जब पीछे से खड़ा होकर देख रहा था ना, इधर सिर्फ टीवी दिख रहे थे, लोग कम दिख रहे थे, अब पीछे लोग ही नहीं दिख रहे, यही सीन है जी। फ्लाइट से तो निकल गए पर हमारे को लगेगा जी अभी वीज़ा में टाइम, क्योंकि ऑन अराइवल वीज़ा अभी इतना पीछे थे कि कितना टाइम लगेगा ये नहीं पता, पर भाग भाग के पहुंच रहे हैं। कहां पर है जी, कहां पर लाइन, ये देखो ना भीड़ देखो, ये भीड़ भर भर के ख़त्म हो गया वीरे, काम खत्म हो गए साढ़े हूँ बाहर निकलेंगे सामान लवाएंगे। ई वीज़ा के लग गए जी 2200 बात, मतलब कितना 2 रुपये के हिसाब से पकड़ लो तो 4400 रुपये लग गए पुणे तक पहुँचण के। उसके बाद अब सिर्फ सामान लेना बाकी रह गया और ड्यूटी फ्री से तो कुछ लेने का मतलब नहीं क्योंकि बैंकॉक जा रहे हैं, जब वापस मुंबई जाएंगे तब समझेंगे, अब भी कुछ लेके मतलब नहीं है। ये कुछ इंटरनेशनल अराइवल्स,
इंटरनेट है यहाँ पर से, अब जा सकते हैं बैगेज क्लेम। ओके बाकी काम तो हो गए जी। अगर आपको इमिग्रेशन में टाइम बचाना है तो अगर आप फॉर्म जो इमिग्रेशन का फॉर्म होता है उसको डाउनलोड करके घर से भर के लाएंगे ना, तो यहाँ पर आके आपको पेन और पेपर नहीं ढूंढना पड़ेगा और बहुत देर आपकी बच जाएगी। तो ये एक क्रैक है, थोड़ा सा यूज़ कर लीजिएगा अगर आपके पास टाइम हो घर पर तो। ऑनलाइन मिल जाता है फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी हम सामान का वेट करते हैं, हमारा सामान कौन सा है हमारे को समझ में नहीं आ रहा इनमें से। यहाँ पर नाम बोर्ड लेके खड़े हैं, अब हमारे वाला कहाँ है हमारे को ढूंढना पड़ेगा। नो 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 गॉट इट थैंक गॉड। हेलो टैक्सी वाले भी मिल गए हैं, फिर वो टैक्सी में बैठेंगे, सामान रखेंगे और गायब हो जाएंगे। पहले सबसे पहले जाना है आज फिटिंग के लिए, फिर उसके बाद होटल जाएंगे। क्या पहनना है शूट पर वो आइडिया, जो ऐसे राजा वाली टोपी पहनी थी ना उसके साथ जो कॉस्ट्यूम है वो भी ट्रायल करते हैं कि अगर उसका कुछ फिट अनफिट रह गया है तो उसको अभी से सेट हो जाए। मौसम भी ऐसा जैसे मुंबई में था वैसे ही मौसम है, शायद शाम को पहुंचे इसलिए ऐसा लग रहा है। बाकी दिन में कितनी गर्मी होगी वो आपको कल बताएंगे, आज नहीं पता लग रहा क्योंकि आज पहुंचते पहुंचते जैसे रात सी होगी ये सब जगह। देखो जी हम पहुंच गए हैं और हमारा ऐसे मेकअप वेकअप की तैयारियां चल रही हैं, ये फुल ऐसे गोदाम लग गया है। और मीट किटी, हाय किटी। मीट हिरेन, हिरेन कह रहा कि हाथी की लोकेशन, वैसे स्टोरी बहुत लंबी है हमारी शूट की बट ठीक है अब पहुंच गए हैं हम। ये अच्छी बात है, तो अभी मेकअप वेकअप होएगा, कुछ ना कुछ सेटलमेंट होएगी समझते हैं। और यहाँ पर भी मुंबई जैसी बारिश हो रही है और हिरेन बोल रहे हैं कि रोज ऐसी बारिश हो रही है ना एवरीडे शाम के टाइम, और मुंबई में भी शाम के टाइम बरस रहा है। इस चक्कर में हम बैंकॉक गए थे, बैंकॉक में भी बारिश। हमारे को नहीं पता लग रहा कितना लुक चेंज हुआ, पर सिंपल सोबर अभी के लिए वो क्या बोलते हैं उसको चेक करने के लिए कि आउटफिट कैसा लगेगा, लुक कैसा लगेगा वो बन जाएगा। उसके बाद बाकी तो जब रेडी होएंगे फाइनल शूट वाले दिन तब अलग पता लगेगा, अभी बेसिक रेडी हो गए, ट्रायल चेक हो जाएगा आज। चलो जी होटल के लिए निकल रहे हैं। रूम में पहुंच गए सुकून मिल गया। सबसे पहले अपने जो ये जेल वेल लगी है ना उसकी वजह से बाल ऐसे कड़क हो रखे हैं, तो इसको पहले निकाल देते हैं और फिर कुछ खाना खाने जाते हैं। बहुत भूख लग रही है, सुबह सिर्फ फ्लाइट में जो मिला वो खाया और भाग रहे हैं तब से। तो फिटिंग में भी इतना टाइम लग गया क्योंकि बेचारों को राजा नहीं मिल रहा। अब राजा गंगानगर के राजा तो अब आए हैं, क्या कर सकते, पहले बता देते हम पहले आ जाते हैं, ऐसे थोड़ी होता। चलो अब खाना खा लेते हैं, बहुत बात कर लिए बिना कुछ खाए। वैसे ये हमारा रूम है देख लो जी, हमने भी देखा नहीं है, सीधा सीधा आपको दिखा देते हैं। ये हम है, ये तिजोरी है, यहाँ पर ये तिजोरी है जिसमें हम सोना वोना रख सकते हैं, टीवी हमने कभी देखना नहीं है। डन है जी हमारा खाना, ये देख लीजिए जी, ये इसके भरोसे हम इसको खा लेंगे। खाना वाना हो गया जी हमारे को, और खाना खाते खाते हमारे को एक बात याद आई कि मुंबई में तो बारिश हो ही रही थी पर बैंकॉक में आने के बाद भी बारिश हो रही है, मतलब शोर की पावर अभी भी जिंदा है। मतलब आप क्या ही कर सकते हैं, हमने दुबई में बारिश करा दी, कश्मीर टू कन्याकुमारी करते हुए सब जगह बारिश करवा दी, और की चाहिए थी सानों। मेरे को लगता है कि ये अच्छा मौसम हमारे साथ साथ चलता है, तो अब ये साथ साथ चलते हुए मौसम में अच्छी सी नींद आ जाएगी, तो घर जाकर सो जाते हैं। जी अपना ख्याल रखो, अपना ख्याल रखना चंगा, रब रखा जी। बाकी यू वॉन्ट मसाज